एवं अभिनंदन आज आम देखा स्थानांक ज्यामितर गोटे सुंदर ऑब्जेक्टिव गुड़ाक आम अभ्यास करवा तो कौन जीरो वन ओ टू माइनस फोर बिंदु दे जाऊथिबा रेखा एक्स अक्ष द्वारा क्यों अनुपात रे विभक्त हो आम क्यों अनुपात रे विभक्त हो आम से देखा तो क्यों अक्ष द्वारा एक्स अक्ष द्वारा कही अक्षटा कौन देला एक्स अक्ष दे यदि एक्स अक्ष उपरिस्थ बिंदु गुड़िया ताहले कौन हो वाई इक्वल टू जीरो जदि एक्स अक्ष द्वारा देला तो वाई इक्वल टू कौन हो जीरो ठीक अच्छे वाई इक्वल टू जीरो जदि अनुपात देला आमर एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू ठीक तो वाई इक्वल टू जदि जीरो फर्मूला कौन पुट कर एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाय एम प्लस एन इक्वल टू कौन हो जीरो ठीक ये फर्मूलारे आम पुट करवा तो प्रथम आम गोटे सर्ट फिट करवा कौन के इज टू वन पुट करदे के इज टू वन पुट करदे ये आमर कौन एम इज टू एन हो गला एम इज टू एन इक्वल टू आम दबा के इज टू वन तापर आम लिखला एक्स वन वाई वन ये आमर एक्स टू वाई टू तो एम वाई टू बिंदु गुड़िक लिखीदे एक्स वन ये आमर बिंदु जीरो वन ये ला बिंदु टू माइनस फोर तो आम फर्मूला कौन एम वाई टू को पल एम वाई टू अर्थात के इंटू माइनस फोर के इंटू आम कर माइनस फोर प्लस एन वाई वन बोले एन इंटू वन करवा तो एन रैल्यू है वन अर्थात वन इंटू वन करवा वन इंटू वन करदे बाय के प्लस वन एम प्लस एन इक्वल टू कौन के प्लस वन इक्वल टू केमर जीरो हीगला। तो के प्लस वन आर पट को जदि गुणन है गुणफल के जीरो तो के इंटु माइनस फोर करवा के इंटु माइनस फोर कले के माइनस फोर के हीगला माइनस फोर के प्लस आमर वन इंटु वन करवा वन इंटु वन कले के वन हो गला इक्वल टू आम लिखा के जीरो तो ये माइनस फोर के इक्वल टू कौन हो माइनस फोर के इक्वल टू के प्लस वन आर पट को गला कौन हो माइनस वन हो गला तो के इक्वल टू के इक्वल टू माइनस वन बाय माइनस फोर हो गला इक्वल टू के माइनस माइनस आम कटिगला प्लस हो गला तो बाहर वन बाय फोर अर्थात वन इज टू फोर हो वन इज टू फोर आमर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हम ठीक दि नंबर प्रश्न करवा वन टू माइनस वन बिंदु दे जाऊथिबा रेखा एक्स अक्ष द्वारा क्यों अनुपात रे विभक्त हो तो एक्स अक्ष कहला तो यदि एक्स अक्ष कहि ताल वाई रैल्यू कौन हो जीरो एक्स अक्ष जदि कहला वाई इक्वल टू कौन हो जीरो ठीक से व्यवहार बाहर करवा तो एक नंबर भाया प्रश्न अच्छे तो क्यों अनुपात कही आम कौन नहीं एम इज टू वन को आम के इज टू वन नहीं गला ठीक तापर बिंदु द्वय को आम लिखीदे गोटे बिंदु है किए वन टू और गोटे बिंदु है किए माइनस टू माइनस वन तो वाई इक्वल टू जदि जीरो आमर एक्स वन ये वाई वन ये एक्स टू ये वाई टू आपको आम एम नहीं गला या ना आम कौन एन नहीं गला तो आमर वाई बिंदुर भैल्यू जदि जीरो जीरो को आम पुट करवा अर्थात एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाय एम प्लस एन इक्वल टू जीरो फर्मूला पुट करवा ठीक एम एम है के वाई टू एम वाई टू अर्थात आम लिखा के इंटू माइनस वन एम वाई टू होगा प्लस एन वाई वन वन इंटू टू वन इंटू टू करवाक्वल टू के जीरो बाय कौन करवा एम प्लस एन अर्थात के प्लस वन हो गला ए के प्लस वन आर पट को जी कौन हो जीरो अर्थात ये गुणन देखिए आर पट को गला कौन हो गला हरण हो गला अर्थात जीरो इंटु के प्लस वन इक्वल टू कौन हो जीरो तो के इंटु माइनस वन सामान कौन है माइनस के प्लस वन इंटु टू कले आम टू इक्वल टू जीरो ही गला ठीक तो के इक्वल टू कौन हो के इक्वल टू हो गला आमर टू के रैल्यू पाइला कौन
टू पाइला अर्थात टू बाय वन लिखी पारिबो हला के रो वैल्यू पाइगला टू बाय वन ए जो के रो वैल्यू टा पाउछु ए ला हमर एम इज टू एन ठीक ए के रो वैल्यू टा हमर कोन हि जइबो एम इज टू एन हि जइबो अर्थात एम इज टू एन इक्वल टू कोन हि जइबो टू बाय वन अर्थात टू इज टू वन हि जइबो टू बाय वन अर्थात हमर कोन हि गला टू इज टू वन हि गला हमर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हि गला ठीक अछि एबे देखिबा नेक्स्ट प्रश्न तो नेक्स्ट प्रश्न होगा वन थ्री ओ माइनस थ्री माइनस वन दे ने रेखाखंड वाई अक्षद्वय क्यों अनुपात रे विभक्त हुए तो आमर अक्ष यदि कौन देला वाई अक्ष देला ठीक अच्छे अक्ष यदि वाई अक्ष देला ताले आमर कौन हो जिवो एक्स रो वैल्यू जीरो हो जिवो एक्स रो वैल्यू कौन हो गला आमर जीरो हो गला ठीक एक्स रो वैल्यू यदि जीरो होला आमे कौन करूछु फार्मूला ने आमे के इज टू वन पुट कर देला जोडा कि आमर कौन एम इज टू एन हो गला के इज टू वन टा कौन होला एम इज टू वन होला तापर बिंदु गुड़ी तो लिखी देला ये होला आमर वन थ्री ए बिंदु होला आमर माइनस थ्री माइनस वन ठीक तो आमर एक्स वन हो गला ये वाई वन होला एक्स टू होला वाई टू हो गला तो फर्मूला कौन पुट करिबा जदि एक्स इक्वल टू जीरो होला ताहले एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाय एम प्लस एन इक्वल टू जीरो हो गला ठीक ए फर्मूला टी आमे पुट करिबा ए एम होला ये होला हमर एन तो एम एक्स टू एम एक्स टू अर्थात के इंटू माइनस थ्री हो गला तो के इंटू आम कौन करवा माइनस थ्री एम एक्स टू हो गला प्लस एन एक्स वन अर्थात वन इंटू वन करवा एन एक्स वन प्लस वन इंटू वन बाय कौन अच्छी एम प्लस एन अच्छी अर्थात के प्लस वन इक्वल टू आम हो गला कौन जीरो हो गला तो ये के प्लस वन टी आर पट को जाकर कौन हो गुणन हो गला अर्थात जीरो इंटू के प्लस वन इक्वल टू कौन जीरो हो गला तो आम यहाँ समाधान करवा खाली तो के इंटू माइनस थ्री प्लस माइनस कौन है माइनस हो गला माइनस थ्री के प्लस वन इक्वल टू जदि आम जीरो थ्री के इक्वल टू कौन हो माइनस थ्री के आर पट गला कौन हो गला प्लस थ्री के माइनस थ्री के आर पट गला प्लस थ्री के है तो थ्री के इक्वल टू यदि वन है के इक्वल टू कौन हो वन बाय थ्री अर्थात क्यों अनुपात हो गला आमर वन इज टू थ्री अनुपात बा आमर हो गला वन इज टू थ्री अनुपात देखि नौ क्यों ऑप्शन टी देला आमर वन इज टू थ्री अनुपात बी ऑप्शन करेक्ट आंसर दे देला ठीक अछि एबे जीवा नेक्स्ट प्रश्न ताई नंबर जो दिला वन वन ओ माइनस टू फोर बिंदु दे जाऊथवा रेखाखंड एक्स अक्ष को क्यों बिंदु रे छेद करिव तो एक्स अक्ष को क्यों बिंदु रे छेद करिव तार अनुपात आम को देना तो प्रथम अनुपात बाहर करवा एक्स अक्ष यदि एक्स अक्ष को देला वाई इक्वल टू आमर जीरो गोटे बिंदु पाइगला वाई बिंदु स्थानांक पाइगला जीरो तो ये लक्ष्य कर वाई बिंदु स्थानांक सबुथे कौन अच्छी जीरो जीरो देदेला तापरे हमें वाई स्थानांक जदि जीरो जीरो हला आमर एक्स स्थानांक बाहर करवा तो प्रथम कौन करवा अनुपात बाहर कर दो तो अनुपात बाहर करवा फॉर्मूला ए कही थिला हमें के इज टू वन दे देला हमें तो ये हला आमर एक्स वन वाई वन कौन हो गला वन वन ये हला एक्स वन वाई वन ये हला आमर माइनस टू माइनस फोर ये हला आमर कौन एक्स टू वाई टू तो जेहेतु आम एक्स अक्ष कही वाई रैल्यू कौन हो गला जीरो वाई रैल्यू जीरो तो आम कौन फर्मूला पुट करवा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाय एम प्लस एन इक्वल टू जीरो ठीक एम प्लस एन आर पट को लेकिन जीरो तो ये आम एम इज टू एन हो तो एम वाई टू एम वाई टू अर्थात माइनस फोर के होगा प्लस एम वाई टू प्लस एन वाई वन है एम वाई टू प्लस एन वाई वन तो वन इंटू वन बाय आमर एम प्लस एन अर्थात के प्लस वन इक्वल टू जीरो ये तो जाकर जीरो ठीक तो माइनस फोर के प्लस माइनस फोर के
प्लस वन इक्वल टू जीरो तो माइनस फोर के आर पट को गले कौन हो प्लस फोर के इक्वल टू वन करदे तो के इक्वल टू कतला के इक्वल टू हो वन बाय फोर अर्थात वन इज टू फोर हो गला आम एवं कौन पाइला अनुपात टी पाइला ठीक अनुपात पाइला तो वाई बिंदुर स्थानांक आमको पाई आम के पाइछु जीरो वाई बिंदुर स्थानांक जीरो पाइला एवं एक्स देख तो कौन एक्स बिंदुर स्थानांक कौन हो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाय कौन एम प्लस एन एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाय एम प्लस एन तो आम अनुपात टी पाइला एम रैल्यू है वन एन रैल्यू है फोर ठीक एम एक्स टू अर्थात वन इंटू एक्स टू रैल्यू पाई के माइनस टू प्लस एन वाई वन एन रैल्यू पाइला के फोर इंटू वाई वन सरी एन एक्स वन एक्स वन रैल्यू पाइला के वन बाय एम प्लस एन अर्थात वन प्लस फोर ठीक एम एक्स टू एम रैल्यू वन इंटू एक्स टू रैल्यू पाइला माइनस टू वन इंटू माइनस टू प्लस एन वाई वन एन रैल्यू पाइला फोर एन एक्स वन रैल्यू पाइला के वन तो फोर इंटू वन कले फोर या देख वन इंटू माइनस टू अर्थात होगा माइनस टू हो गला प्लस वन इंटू फोर करवा तो फोर बाय वन प्लस फोर कले के फाइव हो गला तो माइनस टू प्लस फोर कले के टू हो गला टू बाय फाइव एक्स बिंदुर स्थानांक पड़ा तो आम स्थानांक किए टू बाय फाइव गोटे एक्स बिंदुर ओ वाई बिंदुर जीरो टू बाय फाइव ओ जीरो कौ अपसन अच्छे आम देख तो आम ए अपसन अच्छी करेक्ट आंसर ए अपसन हो ठीक अच्छे ओ माइनस टू माइनस वन बिंदु दे रेखाखंड एक्स अक्ष को क्यों छेद बिंदु छेद कर एक्स अक्ष को क्यों छेद बिंदु छेद कर आम देखा तो प्रथम कौन देर एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू देदेला तापर एक्स अक्ष कही जदि एक्स अक्ष कहला वाई रैल्यू आम कौन हो जीरो वाई इक्वल टू जीरो कौटी अच्छे तीन टा अपसन देदेला वाई रैल्यू जीरो ए तो देलानी ए तो हेनी तीन टा अपसन देदेला ठीक तो आम कौन करवा प्रथम अनुपात काढ़ ठीक अनुपात जदि काढ़ वाई रैल्यू जदि जीरो देदेला आम अनुपात फर्मूला केमती काटूला के इज टू वन कर एक्स वन रैल्यू है वन टू एक्स वन वाई वन ये आम लिखे नौ वाई टू ये एक्स टू वाई टू ठीक तो वाई रैल्यू जेहेतु जीरो है फर्मूला कौटा पुट करवा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाय एम प्लस एन इक्वल टू जीरो फर्मूला पुट करदे तो एम एम वाई टू है एम इंटू वाई टू करवा अर्थात के इंटू माइनस वन हो गला एम वाई टू प्लस एन वाई वन अर्थात वन इंटु टू हो गला तो वन इंटु टू बाय आम कौन एम प्लस एन अर्थात के प्लस वन हो गला इक्वल टू कौन जीरो हो के प्लस वन आर पर कौन गुणन हो गला तो जीरो जीरो इंटु के प्लस वन इक्वल टू कौन जीरो तो माइनस वन इंटु के कले के माइनस के होगा प्लस वन इंटू टू कले के टू है तो के इक्वल टू आम बाहरी गला टू के वैल्यू बाहर टू बाय वन अर्थात टू है तो आम एम इज टू एन पाइला के टू इज टू वन पाइला एम इज टू एन रैल्यू पाइला के टू इज टू वन एवं आम वाई रथानक पाइला के जीरो एक्स बिंदु टी बाहर करवा तो एक्स रण एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाय एम प्लस एन ए फर्मूला आम फुट करद एम एक्स टू एम होगा आम टू और एन है वन ये आम लिखीदे टू ओ इज टू वन ठीक तो एम एक्स टू अर्थात टू इंटू माइनस टू करदे एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अर्थात वन इंटू वन करदे बाय एम प्लस एन करवा एम प्लस एन अर्थात
टू प्लस वन को आम समाधान कर दबू टू इन टू माइनस टू कले के प्लस माइनस माइनस फोर प्लस वन इंटू वन कले के वन बाय टू प्लस वन कले थ्री माइनस फोर प्लस वन कले आमर के माइनस थ्री बाय थ्री इक्वल टू माइनस वन होगा तो एक्स बिंदु स्थानांक पाइला माइनस वन और वाई पाइला के जीरो तो आमर उत्तर टी माइनस वन जीरो देख लो कौ ऑप्शन दिला ए ऑप्शन दिला आमर करेक्ट आंसर हो ठीक अच्छे माइनस वन जीरो बाहरीगला आमर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर एसला नेक्स्ट प्रश्न वन थ्री माइनस थ्री माइनस वन दे रेखाखंड वाई अक्ष को क्यों बिंदु छेद कर वाई अक्ष देला तो आम एक्स इक्वल टू जीरो पाइगला वाई अक्ष देखिए एक्स इक्वल टू जीरो तो ये दि ऑप्शन तो आम हम ना ये दुईटी ऑप्शन है एक्स इक्वल टू जीरो है ऑप्शन हे आउ डी ऑप्शन भितर कौटा हो ठीक अच्छे तो कौन करवा आम बाहर करदे तो के इज टू वन प्रथम अनुपात बाहर करदे तो एक्स वन वाई वन किए है वन थ्री किए एक्स वन वाई वन पाइला एवं एक्स टू वाई टू देख नौ माइनस थ्री माइनस वन या एक्स टू वाई टू तो एक्स इक्वल टू जीरो एक्स फॉर्मूला पुट करदे आम एन एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाय एम प्लस एन इक्वल टू जीरो जार भैल्यू जीरो तार आम फॉर्मूला पुट कर कौन अनुपात बाहर करदे तो एम एक्स टू ये एन एम एक्स टू अर्थात के इंटू माइनस थ्री के इंटू माइनस थ्री करदे प्लस एन एक्स वन अर्थात वन इंटू वन करदे बाय एम प्लस एन अर्थात के प्लस वन इक्वल टू जीरो डिग्री आर पट को कौन हो जीरो तो आम यहाँ गुणी देवा के इंटू माइनस थ्री कले के माइनस थ्री के माइनस थ्री के प्लस वन इंटू वन कले वन इक्वल टू कौन कर जीरो करदे तो आमर थ्री के इक्वल टू कौन हो थ्री के इक्वल टू जब वन तो के इक्वल टू के वन बाय थ्री अर्थात एम इज टू एन इक्वल टू के वन बाय थ्री वन इज टू थ्री हो गला ठीक के इज टू एम इक्वल टू है एम इज टू एन इक्वल टू है कौन वन इज टू थ्री एवं आम एक्स तो पाइला वाई बिंदु स्थानक बाहर कर वाई रण एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाय आम कौन कर एम प्लस एन करद ठीक एम एम वाई टू एम है वन वाई टू है कौन माइनस वन तो ये पुट कर देला वन इंटू माइनस वन प्लस कौन हो एन वाई वन है तो वन इंटू कौन होमर थ्री होगा वन इंटू थ्री बाय एम प्लस एन अर्थात वन प्लस थ्री करद ठीक तो आम यहाँ गुणवा के वन इंटू माइनस वन हो गला प्लस वन इंटू थ्री कले थ्री है बाय वन प्लस के वन प्लस थ्री कले आम फोर हो गला तो ये हूँ के टू बाय फोर टू बाय फोर इक्वल टू दि के दी दो वन बाय टू ही गला कौन मिस्टेक अच्छे कि देख लो एक्स वन एक्स टू वाई टू एक्स वाई अक्ष को क्यों बिंदु छेद कर वाई अक्ष को कहला एक्स इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाय एम प्लस एन माइनस थ्री के प्लस वन इक्वल टू जीरो तो ये बाहर गला वन इज टू थ्री अनुपात ठीक तो एम वाई टू वाई बिंदु स्थानांक बाहरी कर एम वाई टू एम वाई टू एम है वन वाई टू वाई टू है माइनस वन वन इंटू माइनस वन एम वाई टू प्लस एन वाई वन हाँ ठीक अच्छे तो ऑप्शन कौट भूल थोड़ा देख लो तो आमर बाहर के वन बाय टू बाहर
आ गोटे कौन बाहर जीरो बाहर जीरो वन बाय टू हेबा कथा आमर ऑप्शन देखिनो ऑप्शन भूल अच्छी